the Jet Airways saga. Namaskar darshako. Good evening. 25 saal pehle Naresh Goyal aur unki wife ne Jet Airways shuru kari. Aaj khabar aayi ki unhone as chairman resign kar diya. Unki wife ne bhi as board of director position se apni resign kiya hai. ये सिलसिला काफ़ी महीनों से चला आ रहा है. जेट एयरवेज ने ऑब्वियसली अपने अफेयर्स ठीक तरह नहीं मैनेज किए. आपको इसके बारे में और बताने से पहले ये याद दिला दूं कि ये वीडियो आप आम प्रेस के यूट्यूब चैनल आम प्रेस टीवी पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस के लिए घंटी बजा सकते हैं. तो जो एयरलाइन नरेश गोयल ने 25 साल पहले शुरू करी, आज वो उसके पार्ट नहीं. 119 शायद उनके एयरक्राफ्ट थे टोटल, जिसमें से 24 मेंटेनेंस में हैं और बाकी काफ़ी सारे ग्राउंड कर दिए गए हैं, क्योंकि वो एयरलाइन जिससे लीज पे लेते हैं उसके पैसे नहीं दे पाए. अब जेट एयरवेज एक्चुअली देखा जाए तो भारत की एक बहुत बड़ी ब्रांड है और काफ़ी वेल नोन ब्रांड है. अब हुआ ये है कि काफ़ी सारे दर्शकों के, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने ट्विटर पर एट्सेट्रा ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, और उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अगर एक प्राइवेट कंपनी के अफेयर्स कंपनी ठीक तरह नहीं मैनेज कर पाए तो जो बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं खासकर, वो पब्लिक का पैसा इस एयरलाइन को बचाने में क्यों लगाए. वैलिड पॉइंट. दूसरी तरफ कुछ और लोगों ने कहा कि एक इतनी बड़ी एयरलाइन भारत की अगर और डूबती है, आपको पता ही है किंगफिशर के साथ क्या हुआ है, तो उससे भारत की इमेज खराब होती है. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों के क्या विचार हैं. क्या भारत की इमेज बचाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को बैंक्स द्वारा बेल आउट दिया जाना चाहिए? सुना यह है कि 1500 करोड़ के करीब जेट एयरवेज को मिल रहा है ऑन द कंडीशन दैट मिस्टर नरेश गोयल स्टेप्स डाउन, विच ही हैज. काफ़ी देर पहले चर्चा थी कि टाटा शायद जेट एयरवेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. जेट एयरवेज पे 24% स्टेक जो है वो इतिहाद का भी है. सुनने में ये आया कि इतिहाद के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी स्टेप डाउन कर दिया है. तो आपका क्या विचार है? भारत की गरिमा और इस एयरलाइन को बचाने के लिए क्या पब्लिक का पैसा लगाना जेट एयरवेज में सही है या नहीं सही है? विचार आपके होंगे, कमेंट्स में लिखिए. मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ता हूँ या यूट्यूब पर, और बाकी दर्शकों के कमेंट्स भी पढ़िए. देखते हैं ये जेट का सागा और भारत, खासकर जो इलेक्शंस की कागार पे खड़ा है, इसका क्या लिंक है. आपके विचार कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा.